बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर, आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर दिए ताकि मलेशिया की बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम की आई डी आ रही होगी, उसको फॉलो कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आप दोस्तों को रिप्लाई करने की। तो आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ विजिट वीज़ा और कॉलिंग वीज़ा, ठीक है ना। क्योंकि विजिट वीज़े पे बहुत ज़्यादा लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर काम का सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है वो काम का बना हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर विजिट वीज़े पे आप बताते रहते हैं काम नहीं है, क्या मलेशिया में वाकई काम नहीं है, क्या मसला क्या है, लोग जितने आ रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा। तो आज ये सारी बातें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद फिर कमेंट्स कर रहे होते हैं, उसी वीडियो में मैं लोगों को बता चुका होता हूँ फिर लोग उसी में कमेंट्स कर रहे होते हैं दोबारा। तो मैं आज लाजमी आप दोस्तों से ये दो तीन जो बातें हैं वो शेयर करूँगा, ठीक है। और जो लोग मलेशिया विजिट वीज़े पर आ रहे हैं और जो लोग मलेशिया वर्क वीज़े पर आ रहे हैं, काम के टॉप में आज मैं काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि किन लोगों को काम मिल रहा है किन लोगों को काम नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो विजिट वीज़े पर आ रहे हैं, मेरी बहुत सारी वीडियो मेरे पड़ी हुई हैं, आपने देखा होगा कि कितनी मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं। और लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि विजिट वीज़े पे क्या हालात हैं, और ये भी मैं बताता रहता हूँ जो लोग विजिट वीज़े पर आ रहे होते हैं और मलेशिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके जानने वाले हैं आगे पीछे, मतलब जो लोग पाकिस्तान से आ रहे होते हैं आगे सेटिंग करके आते हैं कि हमारे लिए काम ढूंढ के रखना, तो वो आके काम पे लग जाते हैं 100% वो काम कर रहे होते हैं उनके, क्योंकि आगे जाते अजीज़ दोस्त या उनके भाई काम कर रहे होते हैं, वो सेटिंग पे उनको काम पे लगवा लेते हैं। बाद में फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू या फिर जैसे यू टर्न जो वीज़ा आता है, फिलहाल अभी तो बंद है, तो यू टर्न वीज़े पे वो लोग आके यहाँ वीज़ा मतलब चेंज करवा लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मैं बताता रहता हूँ, एक तो लोग वीडियो देखते नहीं है, जब पूरी देखते नहीं तो बीच में आके लोग कमेंट्स करते रहे कि सर ये भी बताएं ये भी बताएं। वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में सारे आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो लाजमी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हम विजिट वीज़े पर आते हैं तो हमें काम नहीं मिल रहा। कितने लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें काम चाहिए काम चाहिए। इतने लोग जो लोग देख रहे होंगे वो मुझे लाजमी कमेंट्स करें, ठीक है ना। जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे होते हैं, जो लोग मलेशिया पहुँच चुके हैं, ठीक है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं आ जाता हूँ मलेशिया की जो बेसिक 1500 तनख्वाह है यार, 1500 जो मलेशिया की तनख्वाह पाकिस्तानी तकरीबन 95,000-1,00,000 बन रही है, ठीक है ना। सिर्फ बेसिक की मैं बात करूँ 8 घंटे की, लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है कि कंपनियों में ओवर टाइम नहीं लग रहा, बहुत सारी कंपनियों में ओवर टाइम लग रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 घंटे तो लाजमी है, ठीक है। जो नॉर्मल बंदा यहाँ पैसे कमा रहा है ना वो 2000 से ऊपर कमा रहा है, ठीक है ना, वो 2000 से ऊपर कमा रहा है, ठीक है, 2000-2200-2500 आराम से कमा रहा है, ठीक है ना। मतलब वो सारा खर्चा करके ना अपने घर में 1,20,000-1,30,000 आराम से भेज रहा है। यार मैं बार बार आप दोस्तों को बता चुका हूँ, अगर मैं विजिट वीज़े वालों के लिए बोलता रहता हूँ तो उनके लिए कसम से मैं दिल से बोल रहा हूँ कि उनको गाइड अच्छा कर रहा होता हूँ कि यार आप विजिट वीज़े पे मत आएँ, आप वर्क वीज़े पर आएँ। लेकिन वो जब पाकिस्तान में, ज़ाहिर है पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि लोग बोलते हैं यार हम कैसे मलेशिया जाएँ, वो जिस एजेंसी या जिस एजेंट से रब्ता करते हैं चाहे वो पाकिस्तान में या मलेशिया में, ठीक है, जो भी एजेंट है, ज़्यादा जो एजेंट है 80% वो लोगों को बोल रहे होते हैं आप विजिट पर आ जाएं, हम आपको काम पे लगवा देंगे, हम आपका वीज़ा भी लगवा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दो नंबरी जो एजेंट ये कर रहे हैं ना विजिट वीज़े पे बुला के लोगों को जलील कर रहे हैं, ठीक है ना। मलेशिया में तनख्वाहें अच्छी ना हो तो मैं क्यों 12 साल यहाँ मलेशिया में हो गया काम कर रहा हूँ, अगर तनख्वाहें अच्छी ना होती तो मैं भी चला जाता ना यार, क्यों यहाँ काम कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। मलेशिया में तनख्वाहें अच्छी हैं, सैलरी अच्छी हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम विजिट पर नहीं आए थे, हम वर्क वीज़े पर आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार आएँ मलेशिया, भी बहुत सारी मतलब बहुत सारी कंट्रियों से वर्क वीज़े के लिए मलेशिया आ रहे हैं। मलेशिया बहुत अच्छी कंट्री है, पैसा कमाने वाली कंट्री है। और यहाँ मैं एक और भी बात बता दूँ, जिनके पास हुनर है ना, हुनर चाहे कोई भी हुनर है, बेस्ट अभी उनके लिए मलेशिया है, बेस्ट है। मेरी बातें याद रखेंगे आप, अगर आप मलेशिया पहुँच जाते हैं हुनर वाले भी, और जब वो मलेशिया पहुंच जाएंगे तो वो याद करेंगे यार ज़हीर भाई आपने सही बोला था, हुनरमंद जो लोग हैं उनकी यहाँ बहुत कदर है और ठीक ठाक पैसा। जो लोग मलेशिया में हुनरमंद है ना, मैं कसम से दिल से कह रहा हूँ कि वो लोग मलेशिया आएँ, जो लोग तजर्बाकार हैं। असल पता है क्या होता है, मलेशिया पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो मतलब इतने मतलब काम जानते नहीं होते, जानते हैं लोग काम जानते होते हैं,
ज़्यादातर वो लेबर होते हैं, तो वो जब एजेंटों के हाथ चढ़ते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में या मलेशिया में जितने एजेंट हैं, फिर वो एक ही बात करते हैं कि आप विजिट वीज़े पर आएँ, उनको विजिट वीज़े पर बुला के यहाँ पर सही जलील करते हैं, सही है ना। जितना विजिट वीज़े पर आया है ना लोग, अगर मैं 100% की बात करूँ, 80% लोग जलील हुए हैं। और एग्री होंगे जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, लाजमी कमेंट्स करें। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बोलता रहता हूँ यार, लीगल तरीके से आएँ। मलेशिया बहुत अच्छी कंट्री है, पैसा बहुत है इस कंट्री में। 100% बोल रहा हूँ कि ये मलेशिया, अगर सऊदीया दुबई की बात करें ना, जितने लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी सऊदीया दुबई से अच्छा जो मुल्क है वो मलेशिया है पैसे कमाने के लिए। लेकिन आप लोग मेरी बात को समझते नहीं है, वीडियो पूरी देखते नहीं है, फिर आके कमेंट्स कहते हैं सर विजिट वीज़े पर आ रहे हैं। ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो विजिट वीज़े पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? एजेंट, क्योंकि उनको यही बोलता है कि आप आ जाएं, हम आपको काम भी लगवाएगा और आपका वीज़ा भी लगवाएगा। तो जो लोग इस चक्कर में सोचते हैं कि यार 6-7 लाख किधर हम देंगे वीज़े का, वर्क वीज़े का, चलो विजिट वीज़े पर चलते हैं, वहाँ जा के काम करेंगे, साथ पैसे देंगे और अपना वीज़ा भी लगवा लेंगे और पैसे भी कमाते रहेंगे। लेकिन जब वो मलेशिया आ जाते हैं तो यहाँ आ के सब उलट हो जाता है। जिस एजेंट ने, जिस बंदे ने मलेशिया बुलाया होता है, वो तो बंद कर देता है, नंबर ही ब्लॉक कर देता है ना, रबते ही नहीं करता। बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं यार, जितने लोग इधर आके ना परेशान हुए हैं, जितने लोग। तो याद रखें यार, मैं कभी गलत गाइड नहीं आप लोगों को करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, आपको भाइयों की तरह मतलब समझाता रहता हूँ। यार आएँ मलेशिया, बहुत अच्छी कंट्री। जो लोग अभी सोच रहे हैं ना कि हम इटली, फ्रांस, स्पेन, मतलब यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं, तो यूरोप कंट्री वो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ वीज़े ही बहुत महंगी है। तो सऊदीया दुबई के हालात तो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि जो मलेशिया के अभी हालात हैं ना, मलेशिया के हालात उन कंट्रियों से, अरब कंट्रियों से अभी बहुत अच्छे जा रहे हैं। 1500 बेसिक सैलरी है और आने वाले टाइम में इनकी तनख्वाहें और बढ़ाने जा रहा है ये गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट है, और तनख्वाहें बढ़ाएंगी। कब बढ़ाएंगी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी मीटिंग हो रही है ये सारी, ठीक है ना। तो यार मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, दोस्तों को गाइड करता रहता हूँ। विजिट वीज़े वालों के ख़िलाफ़ नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू विजिट वीज़े वालों के ख़िलाफ़ है। यार मैं विजिट वीज़े वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो लोग मलेशिया विजिट वीज़े पर पहुँचे हैं, जिस तरह वो जलील हो रहे हैं, वो हालात आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। यार जो वो लोग गलतियाँ करें, मैं उनको भी समझाता रहता था, और जिसको समझाता था वो बोलता था यार हमने वीज़ा ले लिया है, तो अभी हमारा टिकट भी हो गया, अभी मैं उनको क्या बोलूँ। तो मैं तो यही बोलता रहता, लेकिन अभी तक जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर पैसा कमाना है मलेशिया में, बहुत अच्छी कंट्री है, आप वर्क वीज़े पर आएँ, ठीक है। कोई भी आप सर्विस सेक्टर का हो गया, प्लांटेशन का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, कोई भी हो, कोई भी वीज़ा हो, लेकिन आप वीज़े पर आएँ। बार बार मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, काम उन लोगों के लिए जो विजिट वीज़े पर आ रहे हैं, जिनके जानने वाले दोस्त अजीज़ हैं वो तो काम पे लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मसले उनके लिए बनते हैं जिनका आगे कोई जानने वाला नहीं होता। तो खुदारा आप जब भी मलेशिया आ रहे हैं, पैसे कमाने आ रहे हैं, तो लीगल आएँ, वर्क वीज़े पर आएँ। तक जहाँ तक मुझे पता है ना, जो लोग जिनसे मेरी बात होती रहती है, जो लोग आए हैं, जिनकी वीडियो मैंने बनाई है, वो यही बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान से हमें वीज़ा मिलता नहीं है। जिस एजेंसी या जिस एजेंट के पास जाते हैं, तो वो हमें सिर्फ ये मशवरा देता है कि हम आपको विजिट वीज़े पे ले जाते हैं, वहाँ जाके आपके मतलब वीज़ा भी लगवाएंगे, काम भी लगवाएंगे। इस चक्कर में लोग आके यहाँ जलील हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको गाइड सही नहीं किया जा रहा। एजेंट लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, एजेंट लोग सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, उनसे बंदे की कोई कदर नहीं है कि वो मरे चाहे जो कुछ हो उसके साथ। वो एजेंट अगर आप मलेशिया पहुँच जाते हैं ना, एजेंट बोलेगा मेरा काम था पहुँचाना, ठीक है, आप पहुँच गए, आगे अपना काम खुद ढूंढें। ऐसे भी एजेंट हैं यहाँ, ठीक है ना। कभी भी आप विजिट वीज़े पर अगर आ रहे हैं, तो एजेंटों की बातों में मत आएं, उसको बोलें अगर मुझे भेजना है तो वर्क वीज़ा दें। यार 4 लाख आप विजिट वीज़े के दे के आ रहे हैं, तो 2 लाख और डाल के आप वर्क वीज़े पर आए ना, 2 लाख 2.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है, 6 लाख 6.5 लाख का जो वीज़ा है ना वो मिल रहा है। तो आप लीगल तरीके से, क्योंकि एजेंटों को विजिट वीज़े पे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, वर्क वीज़े पे दौड़ ज़्यादा है, 2-3 महीने का वो प्रोसेस होता है, लेकिन विजिट वीज़े पे उनको पता है अभी विजिट वीज़ा मतलब लेंगे और सुबह लोगों को भेज देंगे। तो इसलिए एजेंट इस चीज़ को प्रॉफिट, हर बंदा अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहा है, ठीक है ना। अगर हम मलेशिया आ रहे हैं तो हम पैसे कमाने के लिए, ज़ाहिर हर बंदा पैसा कमा रहा है, जिसका जहां दाल लग रहा है वो वैसा ही लगा रहा है। तो खुदारा इन एजेंटों से बचें, मैं कसम से मुझे इन एजेंटों पर गुस्सा है जो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, खास करके विजिट वीज़े के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ मैं लास्ट पे एक और भी बात आप दोस्तों से करूँ, क्योंकि जो लोग मलेशिया पहुँच चुके हैं ना, वो ज़्यादा यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमारे फिंगरप्रिंट कब होंगे।
और जो एजेंट जिन एजेंटों के थ्रू आ जाते हैं या जिन जो मलेशिया में पहुंच जाते हैं जिनका आगे पीछे जानने वाला होता है, फिर वो उससे बोलते हैं हम वीज़ा मतलब लगवाना चाहते हैं। तो यहाँ एक और भी स्कैम हो रहा है, जल्दी से जो भी लोग होते हैं ना बोलते हैं आप हमें पासपोर्ट दो, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और आपका वीज़ा लग जाएगा। यार पूरे मलेशिया में गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है रजिस्ट्रेशन 2023 की हो रही है, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है रजिस्ट्रेशन जो हो रही है वो फ्री है। यहाँ बहुत सारे लोग 500,000 रिंगट दे रहे हैं। और यहाँ एक और आप गलती कर रहे हैं, अगर आप मलेशिया आ रहे हैं विजिट वीज़े पे तो यार कभी भी अभी रजिस्ट्रेशन मत करवाएं। क्यों? जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अगर किसी आप कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आपका वहाँ वीज़ा नहीं लगा होगा। क्यों? आपकी रजिस्ट्रेशन किसी और कंपनी के नाम से उधर हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे वहाँ आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो अगर आप मलेशिया आ रहे हैं, अगर आप वीज़े के बारे में सोच रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल इन्होंने मतलब जो लोग आए हैं अभी तक इन्होंने ऐलान नहीं किया उनके वीज़ा कब लगेगा, और यू टर्न पे भी वीज़ा लगता है फ़िलहाल, वो भी अभी बंद है, ठीक है ना। अगर आप विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन मत करवाएं, क्योंकि आप 500 वहाँ दे देंगे, अगर आप कहीं सी कंपनी में काम कर रहे होंगे, अगर गवर्नमेंट मलेशिया ऐलान कर देती है फिंगरप्रिंट का, तो आप फिर उस कंपनी में कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? सारा जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो कैंसिल करवानी पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको 500,000 देना पड़ेगा। तो यार आप लोग ये गलत काम मत करें, अगर आप विजिट वीज़े पर आ रहे हैं पहले सबसे पहले काम देखें, अगर नहीं मिल रहा तो ये रजिस्ट्रेशन मत करवाएं। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं और साथ 500,000 रुपया भी दे रहे हैं, यार फ्री है ये रजिस्ट्रेशन, फ्री है मत पैसे दें, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर विजिट वीज़े पे काम के क्या लाता है और वर्क वीज़े पे काम के क्या लाता है। यार वर्क वीज़े पे जो लोग आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे दोस्तों की वीडियो बनाई है, आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो वर्क वीज़े पर आ रहे हैं अच्छी सैलरी कमा रहे हैं और उनके साथ कुछ हो भी जाता है, बीमार भी हो जाते हैं, बॉस उनको खुद लेके जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में। अगर आप विजिट पर आ रहे हैं आपके साथ कोई भी नहीं जाने वाला, ठीक है ना। जितनी यहाँ की इंफॉर्मेशन होती है मैं पहले ही आप दोस्तों को बता देता हूँ, लेकिन जिससे रब्ता होता है वो बोलते हैं मेरा विजिट वीजा हो गया, मैं तो कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, 10 दिन बाद। वीडियो लंबी होने जा रही है, ठीक है ना, इस वीडियो को यहीं पे ऐड करूंगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप दोस्तों को समझ आई होगी और अमल भी करेंगे इन बातों पर, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।